बातचीत का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। एक दिन बाबा ने डायरेक्शन दिया। हम हैदराबाद सिंध में थे और हैदराबाद सिंध से 4 घंटा आगे हैदराबाद कराची थी, समंदर का किनारा, वो भी शहर था बहुत बड़ा। तो बाबा ने कहा कि ये जैसे स्कूल में नहीं एक्सकर्शन होती है तो घूमने जाती है एक मास के लिए, ऐसे ही समझो एक मास के लिए जिनको छुट्टी मिले तो एक मास के लिए कराची शहर में चले। अब यहाँ से स्थापना होती है पक्की। तो कहीं तो परिवारों के परिवार तैयार हो गए जाने के लिए, मकानों का बंगलों का बाबा ने प्रबंध करा दिया, सब प्रकार का खान पान का सब प्रबंध हो गया। लेकिन हुआ क्या, हम जैसी 8-9 बहनें थी जो सख्त बांधेली बन गई थी। माता पिता ने छुट्टी नहीं दी, हम छुट्टी नहीं देंगे, सोचा ये जाएंगे तो लौट के थोड़ी आएंगे। तो सब लोग चले गए और हम लोगों के आगे तो 2 दिन समझो सख्त पैरा था। उसमें मैं भी एक थी, आप समझ सकते हो उस समय इस आत्मा का क्या हाल हुआ होगा। मन में तो बड़ी लगन थी कि इतनी बहनें बाबा के संग रहेंगी, ज्ञान अमृत पी करके वो कितनी ना आगे बढ़ जाएंगी और हम तो पीछे के पीछे रह जाएंगे। लेकिन ड्रामा की भावी ऐसी है, कुछ कर नहीं सकते। हम लोगों को तो न भूख लगे न प्यास लगे। माँ को कहने लगे तुमने क्या किया हमारे साथ में। फिर उन्होंने देखा ये लोग खाते पीते नहीं है कुछ भी, तो उनको अपने आप तरस पड़ने लगा। हमने कहा यहाँ जो मंडी का हमारा स्थान है, जो कुछ बहनें रही हुई है वो आपस में आके मिलती है, सत्संग करती है, तो वो तो आप हमको करने दे सकती हो ना। तब वो लोग तैयार हो गए, हमको छुट्टी दी, तब हमने भोजन पाया। 3 दिन हमने भोजन ही नहीं पाया क्योंकि उनको भी तो तरस पड़ा। अब हम जब वहां गए, जो बहनें नहीं गई थी आपस में मिलने लगे, तो सबके मन में कितनी तरफन होंगी कि वहां तो देखो सब कितना अतिंद्रिय सुख लूट रहे हैं बाबा के साथ में, ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हैं और हम बहनें यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम लोगों से भी रहा नहीं गया तो क्या किया होगा। आपस में प्लान बनाया, चलो एक बारी हम देख के तो आए, होके तो आए, चाहे 2-4 दिन के लिए, क्योंकि बड़ी तरफन थी। तो ये प्लान बनाया कि एक तो हैदराबाद स्टेशन से बहने जाएंगी जिसको बहुत डर नहीं है, और जिसको थोड़ा डर है वो और आगे स्टेशन से बैठे, ताकि देखे ये घर में नहीं आई लौट करके तो स्टेशन से ना पकड़ लेवे तो और हम सख्त बंद हो जाएंगे। तो दिन हम लोगों ने मुकर्र किया और बाबा को खबर दे दी कि हम लोग आ रहे हैं फलानी गाड़ी से। एक ड्रेस पड़ी थी और एक ड्रेस और अंदर पहन ली,
ताके बाबा के पास पहुंचे तो दूसरा तो कपड़ा हो कम कम पहनने के लिए जब तक दूसरा बने। वो घर वालों को तो पता ही नहीं लगा। जैसे पहुंच गए तो ऋषि करने के लिए आए हम लोगों को। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जावे तो घर वाले हैरान होने लगे, अभी तक आई नहीं, ये लोग क्यों नहीं आई अभी तक। बेचैन हो गए, एक दो के घर में गए पूछने के लिए, भाई तुम्हारी लड़की आई? वो कहते मेरी लड़की भी नहीं आई, तो वो भी रोने लगी। फिर दूसरे के घर में गए, तुम्हारी लड़की आई? तो कहा इन लोगों ने तो बड़ा धोखा दिया, बड़ी चालाक निकली है। ऐसे करते करते रोने लगी, सभी शांत हो गई। बाबा ने कहा बच्ची आई हो सबसे पहले अपने घर में तार करो, टेलीग्राम दो। उन दिनों में तो इतना टेलीफोन वगैरह तो होता था इंदान कि भाई हम यहाँ आराम से पहुंच गए हैं और आप लोग बेफिक्र रहना, समझा। लेकिन बाबा ने हम लोगों को कहाँ अपने भवन में नहीं रखा, जो किराए पर था। उन दोनों में दीदी हमारी भी बांधे ली थी और उनकी साथ में क्वीन मदर थी, उनके लिए अलग बाबा ने फ्लैट लेके रखा हुआ था, वो लोग उसमें रह पड़े थे। तो हम लोगों को बाबा ने वहाँ ठहरा दिया, जैसे हम अपने सखी के पास रहे हैं, बाबा के पास नहीं रहे हैं। क्योंकि बाबा के पास रहने से वो लोग ऐतराज़ करते और बाबा के ऊपर ही ब्लेम करते कि भाई इन्होंने लड़कियों को भगाया है। तो हम वहाँ ठहरे। तूने प्यार दिया साकार में जो आता है याद हमको, तूने प्यार दिया साकार में जो आता।